बीजेपी हाय हाय और एलजी हाय हाय के नारों को नजरअंदाज मत कीजिए। यह है कश्मीरी पंडित जो कश्मीर के अंदर ये नारे लगा रहे हैं। और अब देखिए बड़गाम का ये नजारा, जहां पर उन पर पुलिस जो है आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। अब एक के बाद एक तस्वीर देखिए, रुदाली की और दर्द की तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं राहुल भट्ट के परिवार की। एक सरकारी मुलाजिम जिसे आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, उन्हें सुरक्षा देना था भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने। वो भारतीय जनता पार्टी जिसे लगता है कि धारा 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर की तमाम समस्याओं का समाधान हो गया, मगर पहली बार हो रहा है 1990 के बाद, जब वहां की माइनॉरिटीज, वहां के हिंदुओं सिखों को घाटी से भागना पड़ रहा है, मगर मोदी सरकार को लगता है ऑल इज वेल। और सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों, 350 कश्मीरी पंडितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना से जो है इस्तीफा दे दिया है। खबर क्या है दोस्तों आपके सामने, पत्रकार सागरिका किस्सू जो है उनका यह ट्वीट है जिसमें वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री की पैकेज योजना से करीब 350 कश्मीरी पंडितों ने इस्तीफा दे दिया। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा एक लंबे समय से नहीं हुआ है। आपके सामने दोस्तों आप देख सकते हैं बाकायदा वो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, जो एक करारा तमाचा है मोदी सरकार के मुंह पर, जो कह रहा है ड्यू टू डिजेक्शन बाय द पॉलिसीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सबसिक्वेंट फेलियर ऑफ प्रोवाइडिंग सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू ऑल कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज सर्विंग इन द वैली फॉर द लास्ट 12 इयर्स एंड ड्यू टू डेस्परेशन बाय प्रॉमिस कस्टोडियंस हु प्रॉमिस टू प्रोवाइड डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल रिटर्न एंड ड्यू टू थ्रेट ऑफ लाइफ विच इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी एंड ईच ह्यूमन बींग, we the below mentioned PM package employees and non PM package employees have been left with no option but to give en masse resignation which we know is the only solution to save our lives। वो कह रहे हैं कि हम अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक ऐसे वक्त जब इस तरह से इस्तीफा आया है, एक ऐसे वक्त जब एक और कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया गया, क्या अब भी आप हेडलाइन मैनेजमेंट करेंगे? क्या अब भी आपका फोकस इस बात पर होगा कि किसी तरह से सुर्खियों को आप अपने पक्ष में करें? क्या अब भी आपका ये पालतू मीडिया आज शाम को ये डिबेट करेगा कि कहां छुपे हैं लिबरल्स, या कहां छुपे हैं उमर अब्दुल्ला, या कहां छुपी हैं महबूबा मुफ्ती? जबकि आपके सामने समस्या है, खुद जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब मैं राज्यपाल था तो श्रीनगर के बाहर रहते थे आतंकवादी, मगर आज वो आतंकवादी बड़गाम में प्रवेश कर रहे हैं, श्रीनगर में प्रवेश कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है। और मुझे खुशी इस बात की है दोस्तों कि कश्मीर के अंदर चाहे वहां के मुसलमान हों, वो भी अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों के पक्ष में आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पक्ष में। कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं दोस्तों, कड़ी पॉलिटिकल प्रतिक्रिया आ रही है इस वक्त कश्मीर से। आपके स्क्रीन पर महबूबा मुफ्ती वॉन्टेड टू विजिट बड़गाम टू एक्सप्रेस माई सॉलिडैरिटी विद कश्मीरी पंडित्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलियर टू प्रोटेक्ट देम हैव बीन पुट अंडर हाउस अरेस्ट as the fact that Kashmiri Muslims and Pandits empathize with each other's pains doesn't fit into their vicious communal narrative। इसका मतलब क्या है कि मैं बड़गाम जाना चाहती थी अपने कश्मीरी पंडितों के दर्द में शरीक होने के लिए, मगर मुझे रोक लिया गया। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार नहीं चाहती कि दुनिया ये देखे कि आज इस मौके पर कश्मीरी पंडित और मुसलमान एक साथ एक मंच पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक सीधा सा सवाल, और वो सीधा सा सवाल क्या है? वो सीधा सा सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार हमें बताएगी कि पिछले 2-3 सालों में 2019 के बाद से ही, जब से धारा 370 हटाया गया था, ये दावा किया गया था कि आतंकवाद खत्म हो गया है। उल्टा आतंकवाद के खात्मे का दावा तो उससे बहुत पहले किया गया था, आपको याद है कि नहीं, जब नोटबंदी हुई थी तब यह कहा गया था कि नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म हो गया है, कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है। मगर बावजूद इसके क्या हो रहा है आप बखूबी जानते हैं। पुलवामा हुआ, तमाम घटनाएं हुई, और अब एक बार फिर 1990 के बाद अब 2022 में
कश्मीरी पंडित और वहां की जो माइनॉरिटीज हैं एक बार फिर घाटी छोड़ने को मजबूर हैं। क्यों? क्या यह महज इत्तेफाक है कि आज से 30 साल पहले जब कश्मीरी पंडितों को छोड़ के जाना पड़ा था, उस वक्त जो व्यक्ति एलजी था यानी जगमोहन, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। उस वक्त जो सरकार थी यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की, उसमें साझेदार बीजेपी थी जिसमें एलके आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे। क्या यह महज इत्तेफाक है या कश्मीरी पंडितों का दर्द सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में वोट्स हासिल करने के लिए किया जाता है? इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, आपके स्क्रीन पर। इट्स शेमफुल दैट लेजिटिमेट एंड जस्टिफाइड प्रोटेस्ट आर मेट विथ हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स। दिस इज नॉट न्यू फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर बिकॉज व्हेन ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन हैज इज अ हैमर, एवरी प्रॉब्लम रिजेंबल्स अ नेल। इफ द एलजी'स गवर्नमेंट कांट प्रोटेक्ट कश्मीरी पंडित्स, दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। यानी कि आज की तारीख में जब कश्मीरी पंडित सड़क पर उतरा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि प्रदर्शन करना उसका अधिकार है। इस सरकार को लगता है, बकौल उमर अब्दुल्ला, इस सरकार को लगता है कि हर समस्या एक कील है और उसका समाधान जो है हथौड़ा है। यानी कि हथौड़ा मारो और कील को जमीन में गाड़ दो। जमीन में गाड़ देने से समस्या का समाधान नहीं होता, ये बात समझनी पड़ेगी। आप एक तरफ तो कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, मगर दूसरी तरफ आप कश्मीरियों को, वहां की जनता को अपना अभिन्न अंग मानने को तैयार नहीं। उन पर हमला किया जाता है जब वो लखनऊ, दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होते हैं। उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है, और ऐसी ढेरों मिसालें हमारे सामने हैं। ये दोहरे मापदंड अब नहीं चलेंगे। जवाबदेही इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की है, जवाबदेही इस वक्त मोदी प्रशासन की है, जवाबदेही मनोज सिन्हा साहब की है जो वहां के एलजी हैं। जी हां, आप कभी कश्मीर के राजनेताओं को पृथकतावादी बना देते हैं। जी हां, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे नेता, सैफुद्दीन सूस जैसे नेता, जो भारत के प्रति जिनका रुझान है, महबूबा मुफ्ती के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन साल तक सरकार चलाई, और फिर जब उनका इस्तेमाल कर लिया तो उन्हें फेंक दिया। इस तरह से कश्मीर का इस्तेमाल नहीं हो सकता दोस्तों। आप वो भूल नहीं कर सकते जो 80 के दशक में उस वक्त की सरकारों ने किया था। जी हां, आपको जिम्मेदारी भरे रवैये का परिचय देना पड़ेगा। और बड़ी बात जो इस कार्यक्रम का शीर्षक है, कश्मीर पर कश्मीर फाइल्स जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाना बहुत आसान है, मगर कश्मीरी पंडितों के दर्द की बात करना एक बिल्कुल अलग बात है। मेरा सीधा सवाल, पिछले 8 सालों से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, मुझे एक भी मौका बताइए जब वो कश्मीरी पंडितों से मिलने उनके रिहायशी शिविरों में, उनके शरणार्थी शिविरों में उनसे मिलने गए। आज तक नहीं गए। जो कश्मीरी पंडित घाटी के बाहर यानी जम्मू में बसे हुए हैं, क्या उनमें से एक भी वापस उनके घर में बसाया जा सका है? जवाब है नहीं। मगर हां, एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जाती है, उससे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं, वो फिल्म जिसने हमें आंशिक तस्वीर दी। मैं मानता हूं कि हमारे कश्मीरी पंडितों ने नर्क का सामना किया था, और मैंने अपने कार्यक्रम में बार बार कहा उनकी समस्या का जिम्मेदार सिर्फ आतंकवादी नहीं थे बल्कि उनके पड़ोसी भी थे, क्योंकि उनके पड़ोसियों को ढाल की तरह उनके सामने खड़ा होना चाहिए था, उनकी रक्षा करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। मगर कश्मीरी फाइल्स ने जो आपको नहीं दिखाया वो ये था कि कश्मीरी पंडितों के अलावा कश्मीरी मुसलमानों को भी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा। जो हकीकत आपको नहीं दिखाई गई वो ये कि 1990 में सरकार विश्वनाथ प्रताप सिंह की थी, और उस सरकार के अंदर बीजेपी थी, और कश्मीरी पंडितों का दर्द उठाने के बजाय उस वक्त एलके आडवाणी ने रामरथ यात्रा निकाली। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रामरथ यात्रा पर नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। जी हां, तब इनमें से किसी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। उस फिल्म से जुड़े लोग 2014 से पहले इनके मुंह से कभी भी कश्मीरी पंडितों के दर्द के बारे में हमने नहीं सुना।
विवेक अग्निहोत्री जो कि डायरेक्टर है, 2014 से पहले ये अश्लील फिल्में बनाया करता था। 2014 के बाद इसको समझ आ गया कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करूंगा, उनके प्रचार को आगे बढ़ाऊंगा, तो इसमें मुझे फायदा होगा और फायदा उसे मिल भी रहा है। 2014 ही नहीं, अभी कुछ ही सालों पहले तक अनुपम खेर इस मुद्दे को धार्मिक समस्या नहीं मानते थे। उनकी ढेरों ऐसे बयान हैं जिसमें वो खुद कह रहे थे कि न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि कश्मीरी मुसलमानों ने भी दर्द का सामना किया है। वो ये भी कहते थे कि ये साजिश है कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी मुसलमानों को अलग करना। उनका मैंने एक भाषण सुना है दोस्तों, 90 के दशक का उनका एक भाषण, जिसमें वो उन्होंने कहीं पर भी कश्मीरी मुसलमानों को पर दोष नहीं मढ़ा, मगर इस फिल्म में उसके बिल्कुल उलट एक अलग किस्म का प्रोपेगेंडा चलाया गया। आज तुम्हें इन सवालों का जवाब देना है, इन तस्वीरों का जवाब देना है। राहुल भट्ट का परिवार जो ये रुदाली कर रहा है, जो रो रहा है, इन तस्वीरों का जवाब देना है। प्रोपेगेंडा से तो कुछ भी किया जा सकता है, जमीन पर उतरो और हकीकत का सामना करो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।